नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जमानत पर आज जेल से रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये हाई कोर्ट में आज तय होगा। कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके खिलाफ आज सुबह सुबह ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि हमें इस जमानत के आदेश पर अपना पक्ष रखने का पूरी तरह वक्त और मौका नहीं दिया गया, हमने 48 घंटे की मोहलत मांगी थी लेकिन हमें वो मोहलत भी कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई, ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाई जाए। लेकिन आदेश दरअसल अभी आया ही नहीं है, राउज एवेन्यू कोर्ट का पूरा आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, जो डिटेल्ड ऑर्डर होता है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, और इस वजह से कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अब ये बात कही है कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक रिहाई की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की कोशिश थी कि आज जो बेल बॉन्ड है वो भर के केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा करवा लिया जाए, लेकिन अब उस प्रक्रिया पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सुबह सुबह हाई कोर्ट में इस मामले को ईडी के वकीलों की तरफ से मेंशन किया गया और ये कहा गया कि आदेश अभी तक आया नहीं है, ऐसे में हम इसके खिलाफ अपील नहीं कर पा रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया गया, तो इस पर आपको रोक लगानी होगी, केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई जाए। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, उसको स्टे करने से तो मना किया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब तक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक के लिए जो रिहाई की प्रक्रिया है उसको रोका जाता है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि वो डिटेल्ड ऑर्डर जब पहुंचेगा कोर्ट, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी और फिर ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो पाएंगे या नहीं। अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो अरविंद केजरीवाल रिहा हो जाएंगे, लेकिन अगर ईडी की दलीलों को मानते हुए जमानत के आदेश पर रोक लगाई जाती है, स्टे लगाया जाता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल का रिहा होना मुश्किल हो जाएगा और उनको फिर ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। तो बहुत दिलचस्प हो गई है ये कानूनी लड़ाई ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच। आज जो केजरीवाल के वकील थे हाई कोर्ट में, उन्होंने ईडी के इस रवैये पर हैरानी जताई और उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि इस तरह से कैसे किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि ये पूरा खेल चालू हो गया है, आदेश जब आया ही नहीं है तो हाई कोर्ट में किसके खिलाफ अपील की गई है। संजय सिंह ने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, तो ये बहुत दिलचस्प हो गया है और देखना होगा कि हाई कोर्ट में आज क्या कुछ होता है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हम दिखाते रहेंगे, आप देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।